वेलकम टू एसएससी मेडी जी। एसएससी सीजीएल 2017 कोर्ट केस रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स है, वो सारे डाउट्स इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। और जो ये शब्द है विश्वासघात, अगर हम भारतीय संस्कृति पर नज़र डालें तो विश्वासघात ये बहुत पहले से चला आ रहा है। चाहे हम रामायण या महाभारत की बात करें तो उसमें भी कई बार विश्वासघात किया गया था। अगर हम कैकेयी की बात करें तो कैकेयी ने राजा दशरथ के साथ विश्वासघात किया था जब उन्होंने राम को वनवास भेजने की बात कही थी। विभीषण ने रावण के साथ विश्वासघात किया था जब उसने रावण का साथ छोड़ दिया था। महाभारत में भी कौरवों ने पांडवों के साथ विश्वासघात किया था और कृष्ण ने भी कौरवों के साथ विश्वासघात किया था जिससे पांडवों को जो युद्ध जीत सकें। लेकिन जितने भी विश्वासघात किए गए हैं भारतीय संस्कृति में, उसके दो मोटिव रहे हैं, या तो अच्छा मोटिव हो या तो बुरा मोटिव हो। कैकेयी ने जो विश्वासघात किया था या कौरवों ने पांडवों के साथ जो विश्वासघात किया था, उसके पीछे का मोटिव बुरा मोटिव था। लेकिन कृष्ण ने जो कौरवों के साथ विश्वासघात किया था उसका मोटिव अच्छा था। विभीषण ने जो रावण के साथ विश्वासघात किया था उसका मोटिव अच्छा था। लेकिन यहाँ पर प्रशांत भूषण सर के साथ और जितने भी सीरियस एसएससी एस्पायरेंट्स हैं, जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट को खड़ा किया, इस जो ये पूरा का पूरा जो स्कैम चल रहा है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, इसके इनके साथ जो विश्वासघात, जो हमारे साथ विश्वासघात किया जा रहा है इस चौकीदार के द्वारा, इस चौकीदार गवर्नमेंट के द्वारा, इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा और इस चुराना चाचा के द्वारा, ये जो विश्वासघात है इसका मोटिव बहुत ही ख़राब है। पूरी डिटेल में आपको सामने बताने वाला हूँ कि क्या कुछ किया जा रहा है इस स्कैम को दबाने के लिए। उसके पहले एक और भी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आपको अब टेस्ट सीरीज परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी ने लॉन्च कर दी है, वो भी आपको पूरा का पूरा फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करना नहीं है। अभिनय शर्मा सर का इस में मतलब 1 मई से कोर्स स्टार्ट हो रहा है एरिथमेटिक का। इसके अलावा जो सीपीओ का पेपर है, पूरा का पूरा सीपीओ के किस तरह के नए क्वेश्चन आए हैं, कुछ कुछ क्रमचय संचय के, उसको भी कराया जाएगा सिर्फ 900 रुपये में 10% डिस्काउंट के साथ एसएससी मेड रेफरल कोड यूज करने पर। अगर आप 30 मई के पहले, 30 अप्रैल के पहले पहले परचेस करते हैं या 30 अप्रैल तक परचेस करते हैं तो आपको इस महीने का जो एडवांस मैथ्स का कोर्स है वो भी आपको पूरा का पूरा फ्री में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि अपडेट की। आपको पता है कि 16 अप्रैल को जो हमारे कोर्ट केस की हियरिंग थी उसमें सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एस ए बोबडे ने साफ साफ आदेश दिया था सीबीआई को कि जो उनकी फाइनल स्टेटस रिपोर्ट है या स्टेटस रिपोर्ट 4, वो 24 तारीख को कोर्ट में सबमिट होगी। मतलब 24 को हियरिंग पहले रखी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि 23 तारीख तक उस स्टेटस रिपोर्ट को पेटिशनर को आपको दे देना है। लेकिन 23 तारीख को रात को 12 बजे तक कोई भी स्टेटस रिपोर्ट पेटिशनर्स को दी नहीं गई और 24 तारीख को एक एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग थी जो 5 मई थी वो सीधा 29 अप्रैल हो गई। तो सारे स्टूडेंट्स को डाउट था कि जो हमारी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो 29 अप्रैल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। हमारी जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो 5 मई ही है। तो 29 अप्रैल को कौन सी हियरिंग है? 29 अप्रैल को जो हमारी हियरिंग है वो ये सीबीआई की हियरिंग है, हमारी हियरिंग नहीं है। सीबीआई ने एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन फाइल किया है। ये जो सीबीआई रिपोर्ट सबमिट करने वाली थी सीबीआई, जो उन्होंने अभी तक सबमिट नहीं किया उससे रिलेटेड है। उसमें जो कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि जो सीबीआई रिपोर्ट है वो सील्ड कवर में सुप्रीम कोर्ट को भी दी जाए प्लस पेटिशनर को भी दी जाए, लेकिन सीबीआई ने पेटिशनर को दी नहीं है। उससे रिलेटेड ये उन्होंने फिर से एक मॉडिफिकेशन और एप्लीकेशन फाइल किया कि वो पेटिशनर को जो सीबीआई रिपोर्ट है वो देना नहीं चाहते हैं। इस कारण से उन्होंने फिर से एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन फाइल किया गया है। अब नेक्स्ट हियरिंग में फिर से यही बवाल मचेगा कि प्रशांत भूषण सर बोलेंगे कि हमको ये सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट चाहिए और इसके ऊपर हियरिंग होगी। फिर से कोर्ट एक नई डेट देगी कि इनको सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट दो, फिर प्रशांत भूषण सर उसको पढ़ेंगे, उसमें रिप्लाई फाइल करने में भी टाइम लगेगा। मतलब पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये काम कर रही है कि कैसे भी करके चुनाव तक ये जो पूरा स्कैम है इसको रोक दिया जाए, क्योंकि अगर चुनाव के पहले अगर कैंसिलेशन का वर्डिक्ट आता है तो इनको जो इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी की पूरी साम दाम दंड भेद की नीतियों का उपयोग करके इस स्कैम को अलग अलग तरीके से कैसे भी करके कुछ ना कुछ करके डिले करना चाहती है। अब आपके सामने सब दिख रहा है कि चौकीदार किस तरह से पूरे के पूरे स्कैम में इन्वॉल्व थे जब उन्होंने इलीगल तरीके से एक्सटेंशन किया गया था वो चुराना चाचा का। तो आपको समझ सकते हैं कि ये केस ये जो पूरा एग्ज़ाम है ये कैंसिल ही होगा, खाली डिले कराया जा रहा है इलेक्शन तक। इलेक्शन के बाद 100% कैंसिल होगा और इलेक्शन के पहले कैंसिल हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। जो हमारी 2018 की
18 जो अटकलें लगी हुई हैं वो 2018 की अटकलें भी दूर हो जाएंगी, तो सीजल 2017 ही पहले कंडक्ट किया जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।